फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग जो है कॉन्क्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है, उसमें एमजीएल लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ हटा रहे हैं हम लोग, अभी भी अंदर से फायर आया, ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलिटेंट्स हैं? दो टेररिस्ट है जिसमें एक उमर खांडे जो है जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है, जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था बागात में जो हमारे दो पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे, एलईटी का जो कमांडर है मुस्ताक खांडे पंपुर का ही वो भी इन्वॉल्व उसमें है। बिल्कुल अभी तक मैं 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में नो इनकाउंटर हुआ है जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें दो सीटी का भी है, दो भी फंसा हुए, थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है, जो सॉफ्ट टारगेट को अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं किए थे, नहीं था, हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें दो को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी तीन बच गया है जो इसको इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुलटा बोलने के, बोलते रहता है लोग, हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, मुझे पता है, डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हम लोग प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, उस ढंग से करेंगे। मैंने बिंद्रू साहब के किलिंग के बाद ही जैसे आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे कि हम लोग पीस बनाने में पूरा मेंटेन करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था, तो कॉर्पोरेटर वही हो गया साथ देता। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है, 5 मिलकर काम करता था अटैक करने में, तो बाकी लोग आइडेंटिफाई कर लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर।